नमस्कार दोस्तों, आज बांग्ला 25 बैसाख 1430, इंग्रेजी 9 मई 2023, आज कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन है और इसको रविंद्र जयंती बोला जाता है। तो मेरा एक पिछले वीडियो में जहाँ हम जोरासांको ठाकुरबाड़ी का दिखाया था, जोरासांको ठाकुरबाड़ी को दिखाया था, उसमें बताया था कि हम रविंद्र जयंती का दिन फिर आने मांगता है, आने हो सकता है हम जाएंगे। तो हम आज आए आ गया है सुबह 6 बजे और देखता है यहाँ क्या प्रोग्राम होता है। चलिए मेरा वीडियो देखिए और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुबह 6:15 में चौरासांको ठाकुरबाड़ी आ पहुँचा हूँ। आज यहाँ एक तो अनुष्ठान होने वाला है, आज 25 बैसाख 1430 और इंग्रजी 9 मई 2023 कविगुरु रविंद्रनाथ का जन्मदिन है। आज यहाँ एक तो रविंद्र जयंती का अनुष्ठान होता है। ये अनुष्ठान अभी तक शुरू नहीं हुआ लेकिन जल्दी शुरू हो जाएगा। Thank you.
সকাল বেলায় অন্ধ্র
করিয়া ফেলিয়া আলো যেমনি খুঁজিয়া বাহির হয় অমনি মনে উপমনে আকিদে উৎসব করিয়া যায়। সে উৎসব কিসের উৎসব? কেন এই সমস্ত গৃহঙ্গের দল নাচিয়া কুঁদিয়া গান কাকিয়া এমন অস্থির হইয়া ওঠে? তাহার কারণ এই, প্রতিদিন প্রভাতে আলোকের স্পর্শে পাখিরা নূতন করিয়া আপনার প্রাণবান গতিমান চেতনাবান পক্ষীজন্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া অন্তরের আনন্দকে সঙ্গীতের উৎসে উৎসারিত করিয়া দেয়। জগতের যেখানে অব্যাহত শক্তির প্রচুর প্রকাশ, সেইখানে যেন মূর্তিমান উৎসব। সেই জন্য হেমন্তের সূর্যকিরণে অগ্রহায়ণের পক্ব শস্য সমুদ্রে সোনার উৎসব হিমলোলিত হইয়া থাকে। সেই জন্য আম্রমঞ্জরীর নিবিড় গন্ধে ব্যাকুল নববসন্তে পুষ্প বিচিত্র কুঞ্জবনে উৎসবে Bye.
जाने वाला है, ये कितना देर अभी अंदर आ रहा है देखिए। तो बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।